तो इकोनॉमी के आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने समझा दिए थे काफी अच्छे से। इकोनॉमी आप लोगों को पता है बेसिक कंसेप्ट के फॉर्म में आती है, अदरवाइज वो आएगी आपकी करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, ये तो जगह है जहां से आपकी इकोनॉमी जो है पूछी जाती है। तो आज हम इकोनॉमी के अराउंड 60 समथिंग क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपके बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे थे उनकी डेफिनेशंस आपके काम में आएंगी और आपको समझ में आएगा कि भाई बेसिक कंसेप्ट जो है वो किस तरीके से यहाँ क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। विद रेफरेंस टू मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज फूड क्रॉप्स दैट इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ऐसी फूड क्रॉप्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना जो इंडिया बाहर से मंगाता है। ट्रू और फॉल्स? देखो सवाल का जवाब आए ना आए लेकिन गैस तो करना, थोड़ा बहुत तो दिमाग उसमें लगाना है हमें। ठीक है, मैं जानता हूँ इकोनॉमी थोड़ी सिर के ऊपर से जाती है, चीजें थोड़ी समझ में नहीं आती हैं। इट्स नॉट इजी टू कोरिलेट थिंग्स, लेकिन फिर भी लेट्स टेक अ गैस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। बिल्कुल सही, फॉल्स होगा ये। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि ये जो स्कीम है बेसिकली ये जो आपके पेरिशेबल और हॉर्टिकल्चर कम्युनिटीज होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं उनको उनके लिए एक सपोर्ट मैकेनिज्म डेवलपमेंट करने के लिए है जो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रिक्योर करेगी। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, अंडर द एमआईएस अ प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी एट अ फिक्स्ड मार्केट इंटरवेंशन प्राइस इज प्रोक्योर्ड बाय एनएएफएडी एज द सेंट्रल एजेंसी। ट्रू। बिल्कुल सही, आपका ट्रू है, तो टू ऑनली। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में कौन कौन सी चीजें आपकी आती हैं? तो ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर एसेट क्रिएशन, ये आता है। आता बिल्कुल, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, दूसरा सब्सिडीज एंड पेंशन गिवन टू विडोज। ये भी ट्रू। परचेज ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट। डिफेंस में आता है फॉल्स। क्या? ये बेसिकली आपके क्या बोलते हैं डिफेंस सेक्टर में जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी है आपका ये डिफेंस सेक्टर में जाएगा, वेपन परचेज के लिए, तो ये आपका नहीं होगा। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेब्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर जो भी कर्जा है उसका ट्रू इंटरेस्ट देने के लिए, तो ये भाई आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ट्रू। ये भी आएगा। 1, 2 एंड 4। फिर विद रेफरेंस टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ एंड स्टेचुरी लिक्विड लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, ये मैंने आपको बताया था, आपको स्टेटमेंट देखने हैं। तो भाई बताना कौन सा सही है। एमएसएफ रेफर्स टू द रेट एट विच द शेड्यूल्ड बैंक्स कैन बोरो फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एमएसएफ मतलब वो चीज जिस रेट पे शेड्यूल्ड बैंक्स फंड्स ले सकते हैं आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल के तौर पर रख के। फॉल्स? फॉल्स, रेपो रेट होता है, रेपो रेट होता है, रेपो क्या होता है? रेट, रेपो रेट होता है ना सर, जिससे बैंक्स, जिसपे बैंक्स। वो अलग चीज होती है भाई, ओवरनाइट इसमें आप एमएसएफ में क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज रख के गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में बोला है आप फंड्स ले सकते हो, तो दिस इज ट्रू। नाउ एसएलआर इज अ टूल फॉर ओके, कंट्रोलिंग लिक्विडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट वी आर मैनिपुलेटिंग बैंक क्रेडिट। नहीं सर, गोल्ड का कुछ होता है, इतने लिक्विड ऐसे बैंक को रखना पड़ता है। नहीं भाई, ये भी होता है, लिक्विडिटी में आपका गोल्ड कैश तब आ जाता है। एमएसएफ इज ऑलवेज फिक्स्ड अबव द रेपो रेट। ट्रू, ये तो गलत, ये तो फॉल्स ही है सर। ये भी सही है भाई, एमएसएफ आपका तब बैंक यूज करते हैं जब उनके सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, सब चीजें खत्म हो जाती हैं पर उनके ज्यादा पास कैसे में। हो गया रेपो रेट से सर? अच्छा, भाई ये क्या बोलते ओके, हैं, ये हमेशा रेपो रेट से ऊपर ही रहता है, मतलब समझ एमएसएफ गया का समझ गया मतलब सर, है ना। हाँ, तो ये ऊपर ही रहता है उसका। 1, 2 एंड 3। बिल्कुल समझ गया सर। द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, बताइए। मैंने उस दिन आपको बताया था ब्रेटन वुड्स के बारे में, कौन कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें?
आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये तो बहुत सिंपल था यार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एन एंटरप्राइज इज 50, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कैसे? 50 से ज्यादा नंबर है तो कितना होना चाहिए? अगर भाई आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो 10, इलेक्ट्रिसिटी वो यूज नहीं होती तो 10, और अगर यूज होती है तो 20। सो दिस इज फॉल्स। द टर्म अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इज नॉट डिफाइंड इन इंडिया अंडर एनी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। फॉल्स। सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंडर में ये चीज क्या बोलते हैं मेंशन है। ईदर वन नॉट टू। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इंटरनल डेप्ट ऑफ इंडिया? इंटरनल डेप्ट जो है इंडिया का, उसका कौन कौन सी चीजें जो है वो पार्ट है? तो सिक्योरिटी इश्यूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल भाई। डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रू, ये भी सही है। मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स, ट्रू ट्रू। एनआरआई डिपॉजिट्स, फॉल्स फॉल्स। 1, 2, 3 एंड ओनली। इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द बैंक रेट, व्हाट इफेक्ट्स इट कुड पॉसिबली हैव ऑन द इंडियन इकोनॉमी? बैंक रेट मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो बढ़ाने पे भाई क्या बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है ना। तो बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है, ठीक है, उनकी जो सिक्योरिटीज वगैरह होती है उनको खरीदने के बाद, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, कमर्शियल पेपर वगैरह, इन सबको खरीदने के बाद। तो भाई क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहला, लोन टेकन बाय द कमर्शियल बैंक्स बिकम्स चीपर, फॉल्स, महंगा हो जाता है। इट डिक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ट्रू ट्रू। हाँ, महंगाई बढ़ती है, डिक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू व्हाट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स, मतलब कितना उनके हाथ में है और कितना बैंक डिपॉजिट्स का, ये उसका रेशियो होता है। ट्रू ट्रू। इट रिफ्लेक्ट पीपल्स प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी, ट्रू। कितना पैसा कितना गोल्ड उनको चाहिए, ये उसका बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है ना, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। Which of the following statement is correct regarding the IMF special drawing rights SDR? उससे रिलेशन में भाई कौन सी चीजें आपकी सही, कौन सा स्टेटमेंट सही है? SDR के बारे में मैंने आप लोगों को शायद उस दिन नहीं बताया होगा, लेकिन SDR बेसिकली क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट कहा जाता है इसे, ठीक है। ये जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनको उनको ये लोग मेरे ख्याल से सप्लीमेंट करते हैं एक तरीके से जो पैसे वगैरह है, ठीक है। सो दैट इज दैट। तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग, हाँ क्या बताया था? ए तो नहीं होगा। एसडीआर इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ, नहीं 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 ये तो नहीं है। डी हाँ, द वैल्यू ऑफ द एसडीआर इज डिटरमाइंड डेली बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं क्या बोलते हैं तो उसके बेसिस पे जो एसडीआर की वैल्यू है वो मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से ही डिटरमाइन होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रोचेस यूज्ड टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के लिए ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं, इनमें से बताना आपको कौन कौन सी सही है। तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट यूजेस 7 days प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द सर्वे एज द रेफरेंस पीरियड। मान लीजिए अगर 1 जनवरी से स्टार्ट किया है तो जो क्या बोलते हैं जो सर्वे 1 जनवरी से अगर स्टार्ट किया है तो उससे पहले के अगर 7 दिन है उनको ही काउंट किया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के लिए, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। ये बेसिकली आपका कंडक्ट कौन कराता है? NSSO, नेशनल क्या नाम है, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हाँ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट कराती है। तो ये गलत है, क्यों गलत है ये?
7 days से तो ज्यादा काउंट होता है, 365 दिनों का काउंट होता है, ठीक है, उसी पूरी साइकिल का कंडक्ट किया जाता है। दूसरा, करंट डेली स्टेटस अप्रोच टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट यूजेस ईच डे ऑफ द 7 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे एज द रेफरेंस पीरियड। ये यूजुअल स्टेटस अप्रोच था और ये करंट डेली स्टेटस अप्रोच है। इनका डिफरेंस यूजुअल स्टेटस अप्रोच पूरी साल का रहता है, करंट डेली स्टेटस प्रीसीडिंग 1 वीक का रहता है अकेला, तो ये आपका मेजर करता है, दिस इज ट्रू। द यूजुअल स्टेटस अप्रोच टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट फेल्स टू कैप्चर द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन एम्प्लॉयमेंट। जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आते हैं एम्प्लॉयमेंट में, सीजनल आते हैं, तो क्योंकि यूजुअल स्टेटस अप्रोच आपका पूरी साल भर का रहता है तो उसको कैप्चर नहीं कर पाता। ट्रू फॉल्स? ट्रू ट्रू ट्रू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकल एरिया बैंक्स, दे आर सेट अप टू इनेबल द मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग्स बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस। ट्रू बिल्कुल सही। द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स आर एप्लीकेबल टू द लोकल एरिया बैंक्स। ट्रू। ये भी सही है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेफिसिट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका क्या होता है? बजट, ठीक है, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो उसके कंटेक्स्ट में जो डेफिसिट यूज किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट देखने, बताना कौन सा सही है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्चुअल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स कैसे? रेवेन्यू डेफिसिट तो हुआ ना व्हेन कलेक्शन इज लेस बट कंजम्पशन इज मोर, तो जो एपरेंट दिखा रहा है वो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। फॉल्स ही बताना चाहिए। एक मिनट को इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ना लैंग्वेज टफ है, थोड़ा सा टफ है, इवन आई एम गेटिंग इससे से मोर और लेस मेंशन नहीं है ना, ज्यादा या कम है क्या? मोर या लेस मेंशन नहीं है ना सर, तो वो थोड़ा सा इशू हो रहा है कि मतलब ज्यादा या कम है। जब मोटर का प्रश्न एक सेकंड में इफेक्टिव इफेक्टिव डेफिसिट को एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पे शो किया जा रहा है एंड लेकिन 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 जो आपके इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो रहता है उसमें आपके जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का वो तो कंसिडर नहीं किया जाता एज पर एस आई रिमेम्बर, है ना? तो signifies the amount of capital received that are being used for actual consumption expenditure of the government। तो ये तो फिर सही होगा क्योंकि अगर government का क्या बोलते हैं जो expenditure होता है उसको हम count नहीं कर रहे हैं, उसको exclude कर रहे हैं, so this will be true। Next is gross primary deficit refers to the difference between the gross fiscal deficit and net interest liability। फिर व्हाइल कैलकुलेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय एक्सपेंडिचर मेथड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, अगर हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू तो भाई कौन कौन सी चीजें हम कंसिडर करते हैं? फाइनल हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यस बिल्कुल सही।
एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स फॉल्स फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर यस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यस नहीं अच्छा एक्चुअली मैंने ना ऑप्शन ही नहीं देखा एलिमिनेट कर रही थी विद रेफरेंस टू वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपको उनके ऑब्जेक्टिव देखने हैं इंस्टीट्यूशंस को है और उनके ऑब्जेक्टिव तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग जीरो टू लो इंटरेस्ट लोन ट्रू और फॉल्स फॉल्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इनकरेज ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज नहीं ये पुअर कंट्रीज नहीं फॉल्स है ये फर्स्ट फर्स्ट का होगा इसका हाँ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज यस ये ट्रू है यस सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं होगा The GDP measures the aggregate production of final goods and services taking place within the domestic category. True or false? True. मतलब overall आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है. So this is correct. मतलब not correct. ठीक है. It does not take into account the aggregate production of final goods and services produced by foreign national within the domestic territory. ये भी सही है पर मतलब वैसे गलत है. मतलब दिस इज नॉट करेक्ट है ना दिस इज नॉट करेक्ट जो एग्रीगेट प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का फॉरेन नेशनल ने भी अगर प्रोड्यूस किया है डोमेस्टिक टेरिटरी में तो कंसीडर किया सर वो उनके टेरिटरी में होगा ना मतलब उनके उसमें कंसीडर होगा ना सर ये तो लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी मेंशन कर रहे हैं ना भाई वो नहीं मैं वही तो बोल रहा हूँ ना सर कि ये तो उनके उसमें होगा ना भले डोमेस्टिक टेरिटरी में मेंशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो सर हां तो उसमें पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है ना कौन सा सही नहीं है वही वही Which of the following statement is or are not correct regarding the Green Revolution in India? अब भाई कौन सा जो है वो आपका सही नहीं है? Green Revolution started in India in the early 1950s. True. ये तो सही है. True. It was marked by an increase in the use of high yielding variety seeds. ये भी सही है. Yes. ये नहीं ये सही कैसे है यार? HVB seeds तो use होते हैं ना 1950s में. 1950s में क्या हुआ था ये तो अपना 1960s के बाद हुआ था ना इंडो चाइना वॉर के बाद में स्टार्ट हुआ था ठीक है मतलब कि 1965 के बाद बेसिकली कहें तो उसके बाद स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन तो ये आपका नॉट करेक्ट है इट वाज मार्क बाय इंक्रीज इन द यूज ऑफ एचवाईवी सीड्स यस ये सही है द एचवाईवी सीड्स सिग्निफिकेंटली लोअर्ड द यूज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया नहीं तो आपके नॉट कैटेगरी कैटेगरी में फर्स्ट और थर्ड आएंगे ज्यादा पानी का कंजम्पशन होता है ना इसमें शायद हाँ बिल्कुल विद रेफरेंस टू द जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर के रिस्पेक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 क्या ये वो होता है हाँ भाई सही है ट्रू द वेट ऑफ गुड्स यूज्ड इन कैलकुलेटिंग जीडीपी डिफ्लेटर डिफर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन लेवल ट्रू ये भी सही है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स लेकिन बेसिक डेफिनेशन तो यही है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कैसे डिफाइन करते हैं परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इन द लेबर फोर्स कुछ आपके 100 मजदूर हैं या फिर 100 लेबर्स हैं आपके एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो उन लेबर फोर्स के अंदर कितने जो लोग हैं मान लीजिए 40 जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो आपकी ऐसे ही कैलकुलेट होगी सर ऐसे इसका करेक्ट डेफिनेशन ये नहीं होगा लेबर्स का मतलब हम जो भी काम कर सकने योग्य इंसान है उसे काउंट कर रहे हैं ठीक है
सर इसका करेक्ट डेफिनेशन ये नहीं होगा कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क. एक्चुअली सर बिल्कुल ही होगा ना सर, ये तो वो अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, वर्क के अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, वर्क कैटेगरीज आ जाती हैं, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह. लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन एम्प्लॉयमेंट रेट की, दैट इज दिस, मतलब कि क्या बोलते हैं, टोटल नंबर आपके लेबर्स के आ जाते हैं और जो अनएम्प्लॉयड है इन टू 100 होता है, ठीक है. ओके. द नेक्स्ट इज द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्कर्स टू द टोटल पॉपुलेशन. ट्रू, ये भी आपका सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल ट्रेड्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी आपकी भाई तब होती है जब गवर्नमेंट आपके टैक्स बढ़ाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है. चीजों में कट्स होने, जैसे कि अभी आपने एनपीसीए का एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे खबरें आ रही हैं, क्या खबरें आ रही हैं कि भाई यूपीआई में अगर 2000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन मर्चेंट यूपीआई आईडी से करेंगे, मतलब आप अगर जैसे 3000 रुपए का किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और सामने वाले ने यूपीआई जो है वो मर्चेंट आईडी के अंडर में रजिस्टर्ड करवा रखी है, तो फिर क्या होगा कि 1% का जो सरचार्ज है या फिर टैक्स वगैरह है वो उस बंदे को पे करना पड़ेगा, आपको नहीं, ठीक है. तो ये क्या है बेसिकली, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी है कि गवर्नमेंट आपके टैक्सेस बढ़ा रही है या फिर सब्सिडीज क्या बोलते हैं कट कर रही है. तो भाई डिक्रीज इन टैक्स रेट्स ऑफ व्हीकल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल, ये इसके अंडर में आएगी? नो, नहीं आएगा, है ना. टैक्स रेट घटा रही है तो भाई ये तो नहीं आएगा. रिडक्शन इन सब्सिडीज ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स, ये तो आएगा ना. सब्सिडीज में क्या नाम है, कम किया जा रहा है. आपको पहले 600 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, अब सिर्फ 300 रुपए की दी जा रही है. तो ये भी एक तरीके का मतलब रिजिड टैक्स वाली कैटेगरी में आ गया ना. यस सर, है ना. तो ये तो भाई आएगा ना. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नो, नहीं. With reference to the cash reserve ratio, consider the following statement. It is a percentage of deposit which a commercial bank must keep with itself in reserve. True. नहीं, RBI के साथ रखना होता है. Non-bank financial corporation NBFCs are outside the purview of this reserve requirement. I think it's SEBI के अंदर आते हैं. So, right. बिल्कुल. A rise in the price of foreign exchange, a fall in the value of rupee would likely result in which one of the following? Foreign exchange की price जो है, rise जो है, उसमें rise हो रहा है और जो value है rupee की, मतलब रुपए की value जो है वो कम होती जा रही है. तो भाई इससे क्या होगा, क्या मतलब result आ सकते हैं? आपका पैसा कम हो रहा है. पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई सर्टेन आपने कोई चीज खरीदी, आपने कोई टी शर्ट है वो आपने खरीदी, पहले वो टी शर्ट आपको कितनी मिलती थी? ठीक है. इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग अ फॉरेन गुड, आप ये टी शर्ट खरीद रहे हो और आपके, क्योंकि वैल्यू रुपए की कम हो रही है ना, तो पैसा भाई ज्यादा लगेगा, तो ये होगा. With reference to the consumer price index, consider the following statement. The CPI takes into account the prices of goods only. False. Services, dear. बिल्कुल, इसमें जो भी आपकी रिटेल की सर्विसेज और गुड्स वगैरह हैं वो सब आ जाते हैं. तो दिस इज फॉल्स. इट इंक्लूड्स द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. नो. ट्रू. सिर्फ इंपोर्टेड. It includes the price of imported goods. जो आपने मंगाया है सामान वो सब सीपीआई में काउंट होता है? हाँ होता है. Which of the following can be accounted as capital receipts in the annual financial statement? जो आपका बजट होता है उसमें कौन सी चीजें आपकी कैपिटल रिसीप की कैटेगरी में आती हैं? तो भाई कौन कौन सा इसमें आता है? लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स आता है. कैपिटल रिसीप्ट आपको समझ में आ रहा है? yes. बताऊं एक बार. हाँ सर, समझे. बताइए नंदिनी, क्या होता है? सर तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट. एक सिंपल से डेफिनेशन दो मुझे बस. रिसीट मतलब कि जो भी हमारे, समझ लो मैं गवर्नमेंट हूँ तो मेरे को
जितना पैसा मेरे खजाने में आ रहा है वो रिसीट हो गया, जितना मैं स्पेंड कर रही हूँ वो एक्सपेंडिचर हो गया. तो अब मेरे मेरे पास लोन आ रहा है तो इट्स अ डेट, बट हाँ फॉर द टाइम बीइंग मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है. हाँ, लेकिन ये लायबिलिटी है ना. हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल लायबिलिटी कैपिटल रिलेटेड. रिसीट मतलब गवर्नमेंट के ऊपर जो भी लायबिलिटीज होती हैं या फिर उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स को कम किया जा रहा है वो आपकी आती है कैपिटल रिसीट में. ठीक है, आपके पास में मतलब 1,000 रुपए है, आपके दोस्त ने आपसे 500 रुपए मांग लिया, तो थ्योरेटिकली तो आपके पास 500 रुपए है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1,000 रुपए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 500 रुपए, क्योंकि 500 अपने दोस्त को दे दिए. वो मिल भी सकते हैं, वो नहीं भी मिल सकते. ठीक है, सो दैट इज कैपिटल रिसीव. तो भाई लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट ने जो लोन आपसे लिया है वो इसके अंडर में आएगा. लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई ना सर, तो आना चाहिए. आएगा बिल्कुल. बोरोइंग्स फॉर द आएगा. गवर्नमेंट थ्रू द सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, एसेट कम हो यस रही है तो ये भी आना चाहिए. कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यस यस ये नहीं आएगा. ये आपके रेवेन्यू रिसीप्ट्स का पार्ट होते हैं, ये कैपिटल रिसीप्ट्स का पार्ट नहीं होता. ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस नहीं. ये भी आएगा इसके एक सेकंड, अंदर. ऑप्शन ऑप्शन. हाँ ठीक है सर. सर ये क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं या फिर जो भी बाकी जिन्होंने भी पैसा इकट्ठा ले रखा है उनसे पैसा वापस लेना, ये तो कैपिटल रिसीप्ट के ये लाइबिलिटीज ही तो हैं और क्या है. ओके सर, ओके नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मनी मल्टीप्लायर. क्या होता है भाई मनी मल्टीप्लायर? बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल मनी सप्लाई टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी इन एन इकोनॉमी. थोड़ा समझा देंगे वापस एक बार. इसमें क्या समझना है बताओ? ये हाई पावर इन इकोनॉमी वाला, ये वाला सर स्टेट, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है स्टेटमेंट पे समझिए. हाई पावर्ड मनी आपका बेसिकली वो पैसा होता है जो क्या बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स में होल्ड कर रखा होता है. ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं जो भी डिपॉजिट्स आपने उन्होंने मतलब आरबीआई के लिए कर रखे हैं वो भी काउंट होते हैं, उनके खुद के पास जो पैसा जमा रहता है वो भी इसमें काउंट होता है. ठीक है, तो जो टोटल मनी मनी सप्लाई हुआ है प्लस ये जितना स्टॉक है इसका रेशियो ही आपका मनी मल्टीप्लायर कहलाता है. ठीक है, ओके इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिनरल्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्लासिफाइड एज मेजर मिनरल्स. मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में कौन कौन सी आती है भाई? सर. प्लीज म्यूट योर माइक, जिसकी तरफ से शोर आ रहा है. सारी आती है. ठीक है, राकेश वॉज मैनुअल लेबर इन अ फैक्ट्री दैट यूज टू मैन्युफैक्चर शूज. द एरिया वेयर द फैक्ट्री वॉज लोकेटेड वॉज बाउड बाय अ फॉरेन एंटिटी दैट स्पेशलाइज इन शू मैन्युफैक्चरिंग. द मशीन्स फॉर द मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन ऑफ शूज वर इंपोर्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज सेट अप इन द एरिया. इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट स्पेशल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड न्यूमेरिकल कॉम्पिटेंसी वाज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दोज मशीन्स व्हिच राकेश लैक्ड एंड दस ही वाज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट. किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल 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 यस जी सर. बिल्कुल सही. Which of the following best describes casualization of workforce? अगर आप अपने खुद का काम कर रहे हैं या फिर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है आप मतलब आपको तनख्वाह मिलती है उससे आप कैजुअल वेज यानी कि जो आपके डेली वेज होते हैं आप उस तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको कहा जाता है प्रोसेस ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट. हाँ स्टेटमेंट जी क्वेश्चन में सर, ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन में थोड़ा 20 सेकंड पढ़ने का टाइम अच्छा, ठीक है चाहिए. ओके श्योर. चलो, ओके सर. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई बाय एनी सिंगल इन्वेस्टर ग्रुप कैन नॉट एक्सीड एक्स परसेंट ऑफ द इक्विटी ऑफ एन इंडियन कंपनी बियॉन्ड विच इट विल ट्रेडेड एज एफडीआई. तो भाई कितनी वैल्यू इक्विटी की होनी चाहिए एक्स? एन बिल्कुल 10%. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीओपी. सो बीओपी ऑफ अ कंट्री कंप्राइजेस ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड.
सही है ना? Yes, सही है, सही है. क्योंकि आपकी गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजेक्शन रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में हुआ हो, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो डिफरेंस होता है वही तो बीओपी होता है ना भाई. कितना आपने मंगाया, कितना फलाने इंसान ने मंगाया सामने वाले ने, और उसका जो डिफरेंस होगा आपका बीओपी होगा. सो दिस इज ट्रू. अ कंट्री हैविंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम विल एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ट्रू. आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर बराबर है तो आपका फॉरेन, अगर आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर है तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ेगा. ट्रू ऑफ ऑल्स. फॉल्स. इक्वल होगा ना? नहीं बढ़ेगा, इक्वल होगा ना. सो दिस इज वन ओनली. फॉल्स. In the context of poverty categorization in India, consider the following best describes churning poor. Churning poor जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? See, in and out of poverty. हाँ, people who regularly move in and out of poverty. Consider the following statement regarding the patent rights in India. Patent is a statutory right for an invention granted to the patentee by the government. सही है सर ये तो. True. Patent is granted for 50 years from the date of filing of an application. ये की शर्त नहीं है सर, बाकी हाँ mostly life long रहता है, मतलब until a new patent or something like such is formed. तो नहीं, ये गलत लग रहा है सर. 20 years रहता है normally. An invention relating to a process cannot be patented in India. प्रोडक्ट्स का ही पेटेंट नहीं होता है. इसमें पूछा गया है कि जो प्रोसेस होता है किसी भी स्पेसिफिक चीज को बनाने का, वो इंडिया में पेटेंट नहीं कर सकते आप. ट्रू फॉल्स. कर सकते हैं सर. कर सकते हैं. फॉल्स. फॉल्स है. कर सकते हैं. दिस इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू बैंक्स. ठीक है, न्यू बैंक्स बेसिकली क्या है? दे आर द फिनटेक फर्म्स विद ओनली अ डिजिटल प्रेजेंस. डिजिटल और फिजिकल दोनों होते हैं. सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस होती है इनकी, कोई ब्रांचेस नहीं होती इनकी, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, पूरा ऑपरेशन ऑनलाइन चलता है. ये ट्रू है. दे डू नॉट हैव अ बैंक लाइसेंस ऑफ देयर ओन. ये भी ट्रू है सर, जिस बैंक के लिए काम करते उसके लाइसेंस पर ऑपरेट करते हैं. बिल्कुल, ये बेसिकली क्या बोलते हैं, एज अ पार्टनर कई बैंक के साथ एसोसिएटेड रहते हैं. ठीक है, so this is true. They offer debit cards. गलत है सर ये. False. They don't offer debit cards. भाई they offer debit cards. Credit card नहीं बोला है, debit card बोला है. Credit card नहीं है भाई, debit cards है. अच्छा सर. With reference to the different taxation systems of taxations, consider the following statements. The percentage tax rate increases proportionally with the increase in the income under the proportional taxation design. कि भाई जो आपका tax है वो आपकी income के साथ जो है वो बढ़ता जाए. ठीक है. हाँ सही है सर. True. एक second. Proportion with the increase in the income under the proportional taxation design. बिस्किट का पैकेट खरीदना चाहते हैं कोई, क्या बोलते हैं, जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है वो कोई बिस्किट का पैकेट खरीदना चाहता है, रेट तो दोनों के लिए सेम रहेगी ना, उसमें चेंज क्यों आएगा? कंज्यूमर स्पेंडिंग मोर सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस इन जीडीपी. सर एक बार थोड़ा स्टेटमेंट समझा देंगे सर? इसको हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, लाइक आई थिंक इट ट्रू है. हाँ मतलब दिस इज नहीं, ये भी ये गलत है.
it may disposable income as well as consumer spending more sensitive to fluctuations in GDP. जो आपका प्रोपोर्शनल इन जो प्रोपोर्शनल आपके होगा जो आपका प्रोपोर्शनल टैक्स जो रहता है ये बेसिकली कंज्यूमर को थोड़ा सा लेस सेंसिटिव बनाता है जीडीपी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या सेंसिटिव बोलते मतलब। हैं सेंसिटिव इन द सेंस कि भाई किस तरह से एक्ट करेगा वो। अगर जीडीपी में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा कम करेगा, ये वाली चीज होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका प्रोग्रेसिविटी टैक्स एक टर्म होता है उससे रिलेटेड रहता है, जहां पर आपकी इनकम के हिसाब से ना आप क्या चीजें आपकी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। सर तो फिर सही होना चाहिए ना सर, ये क्यों? जो आप जो आपने एक्सप्लेन किया उसका तो सही होना, ट्रू होना चाहिए ना सर, क्योंकि अब जैसे प्रोपोर्शनल जैसे जैसे इनकम टैक्स फ्लक्चुएशन ये होंगे ज्यादा सेंसिटिव होगा डिस्पोजेबल ना। इनकम, इसमें डिस्पोजेबल इनकम की बात की गई है एज वेल एज कंज्यूमर स्पेंडिंग मोर सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस इन जीडीपी। लेकिन इसके हिसाब से जो आपका कंज्यूमर होता है वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता, वो जीडीपी एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, समझे? सर थोड़ा सा अटक गया सर एक क्वेश्चन पर, ठीक है मैं वापस रिव्यू करूंगा ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में अब नहीं आएगा। स्किप। यूपीएससी की सबसे अच्छी बात है कह लो या बुरी बात कह लो कि वो सब तरह की चीजें लाके रख सकता है आपके सामने। ठीक है, सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर बोथ। अनप्रडिक्टेबल सर्विसेज हाँ, बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है, मतलब ये चीज कई बार ऐसा होता है मेरे यूपीएससी। साथ कि मैं ये सोच के जा रहा था कि भाई ये नहीं आएगा और उसी टॉपिक से 4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर मैं अपना माथा पकड़ के बैठ रहा हूँ कि भाई यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो हाँ देखो, ना आए तो और अच्छी बात है, थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन एक चीज आपके लिए सही रहेगी, जो भी इंसान आप में से मेहनत कर रहा है, जो इंसान पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है, जो भी उसने पढ़ा उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? ऑटोमेटिकली जो लोग मेहनत कम कर रहे हैं वो लोग उस चीज से ड्रॉप आउट हो जाएंगे, वो लोग ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एफकैट का एग्जाम होता है, थोड़ा इजी रहता है, इजी रहता है तो भाई आपके 35-36 हजार जो लोग हैं आराम से एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आपके एसएसबी देने के लिए 300, 400, 500 लोग आ रहे हैं, तो डिफरेंस होता है। और यहीं पे यहाँ क्या होगा कि भाई अगर एग्जाम थोड़ा टफ है, आपने मेहनत की है, आप एग्जाम निकालोगे तो भाई 5-6 लोग हैं, 5-6 हजार लोग हैं वो एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, आपके अराउंड 100 या 150 लोग हैं वो एसएसबी देने के लिए आ रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस दैट क्रिएट्स। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आस्क फॉर मोर टफर पेपर, उससे आपको ज्यादा फायदा रहेगा। सर अब तो सीडीएस एंट्री में भी इतना ज्यादा रेट हो गया है, लास्ट टाइम 157 का रिपोर्टिंग था, एक टाइम पे 80 बच्चे आते थे एंड हाँ नाउ तो इट इज उनके 157। पास में जो क्या नाम है एसेसर्स हैं वो ज्यादा अवेलेबल होंगे। कई सर बार क्या होता है, भोपाल भोपाल हाँ मैं भोपाल बोर्ड की का बात कर, बता, अलाहाबाद का मैं भी नहीं, भोपाल बोर्ड में 157 करो, उसमें से स्क्रीन इन करे थे 38 लड़कियां स्क्रीन इन करी थी। हाँ, 4 एसेसर्स होंगे यार, 4 या 5 एसेसर्स अवेलेबल होंगे। अगर बगल वाला जो बोर्ड होगा उसके एसेसर्स भी उधार ले लिए होंगे उन्होंने। हो जाता है कई बार, हाँ देखो नहीं, क्या होता है कि जैसे आपके मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं तो आपके मल्टीपल बोर्ड्स में क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए 2 एसेसर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या होगा, तो मैक्सिमम आपके 20 तक बच्चे जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। अगर 3 एसेसर्स अवेलेबल हैं तो आपके वही अंदर 30 का ब्रैकेट हो गया, और अगर 4 एसेसर्स आपके अवेलेबल हैं तो भाई वो आपका तकरीबन 40 तक पहुंच सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, एक ग्रुप में मैक्सिमम जो है, एक आइडियल जो एक ग्रुप का रहता है दैट इज 6 to 7। ठीक है, 6 to 7 का रेशियो रहता है, उसमें अच्छे से जज हो जाता है, लेकिन 10 के करीब इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। बहुत सारे फैक्टर्स पे आपका स्क्रीनिंग है, वो डिपेंडेंट करता है एकोमोडेशन कितना है उन लोगों के पास में, एसेसर्स कितने हैं। ठीक है, इस चीज पे, सॉरी, एसेसर्स पे भी डिपेंड करता है कितने हैं आपके, और भी छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं, इन सब चीजों पे आपका स्क्रीनिंग का चीजें डिटरमाइन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवाद जो इकोनॉमी होती है उसमें भाई क्या क्या होता है। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। फॉल्स। सही, गवर्नमेंट ही तो डिसाइड करती है भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, सोशलिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटलिस्ट ऑफ सोशलिस्ट। रिसोर्सेज अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। फॉल्स, फॉल्स, यहाँ पर इक्विटेबल कोई, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ यहाँ पर किसी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होती नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर सिंस द 1991 रिफॉर्म्स, परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज स्टेडली।
इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भाई? नहीं नहीं सर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ी है ना सर, इंडस्ट्रियल तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आफ्टर द 1991 एलपीजी पॉलिसी। बिल्कुल ये फॉल्स है। देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टुवर्ड्स प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। ये सही है बिल्कुल। With reference to monetize deficit as a method to finance debt, consider the following statement. Monetize deficit is that part of government deficit which is financed solely by borrowing from the Reserve Bank of India. Government जो उधार मांगता है Reserve Bank of India से, वही monetize deficit कहलाता है। No idea sir. बिल्कुल यही कहलाता है भाई। अच्छा। मोनेटाइज डेफिसिट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। ये भी आपका सही है। अब आइडिया हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड, देखो आपको जो नॉलेज है ना, नॉलेज गेन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि भाई आपने थ्योरी ही थ्योरी पढ़ी। थ्योरी ही थ्योरी से क्या होता है कि इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई सब कुछ आपके दिमाग में नहीं जाता, काफी सारी चीजें जाती हैं बाकी निकल जाती हैं। दूसरा होता है कि भाई आपने थ्योरी पढ़ी और आपने इसमें कोई एक वर्ड ढूंढा और उस वर्ड से रिलेटेड क्या है कि आपने क्वेश्चन किया, तो कई बार आपको उस क्वेश्चन के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी, है ना, 100% नॉलेज आपके पास में नहीं होगी। लेकिन जब आपने उस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन के थ्रू आप उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप कुछ कुछ डाउट्स हैं, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो क्वेश्चन के थ्रू कवर कर। Got it? चलिए, which of the following can be regarded as quantitative tools of Reserve Bank of India to control money supply in the economy? Money supply के लिए कैसे RBI करता है? Changing the cash cash reserve ratio. 1, 2, 4. 1, 2, and 4. 1, 2, and 4. 1 and 4. वन तो है आपका, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, चेंजिंग द बैंक मॉरल सेशन नहीं होगा। ओपन मार्केट में क्या होता है एग्जैक्टली, वो अपना सिक्योरिटी सेल करते हैं। ओके ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन सिक्योरिटीज को सेल करते हैं ना, मतलब मतलब कुछ रेट्स का फ्लक्चुएशन के लिए। बिल्कुल। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यस बिल्कुल सही। एट प्रेजेंट इंडिया फॉलोज अ कंप्लीटली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉल्स। फॉल्स बिल्कुल। आरबीआई पार्शियली फ्लेक्सिबल। हां, आरबीआई कंट्रोलर का काम करता है, तो दिस इज वन ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स। The TRIPS agreement applies to all WTO members. Yes. बिल्कुल सही। The agreement allows compulsory licensing and government use of a patent without the authorization of its owner. False. True. Without the authorization होगा क्या सर? True होगा सर ये, I guess. Compulsory licensing and government use of a patent. Government कर सकती है अगर चाहे तो, उसको लग रहा है कि जनता की भलाई के लिए हम करना चाहते हैं तो। ठीक है, private individuals? क्या? Private individuals क्यों करेंगे भाई? आपकी जमीन है, आपकी जमीन पे कोई और कब्जा करेगा तो भाई सरकार उसको उसके लिए केस कर सकते हो, लेकिन सरकार ही कब्जा करेगी तो उसके लिए भी आप केस कर सकते हो, लेकिन आपको अगर प्रॉपर कंपनसेशन दिया जा रहा है देन यू हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, ये उसी तरह की चीज है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसीज। कन्वर्टिबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसीज एंड वाइस वर्सा। ट्रू। बिल्कुल सही। करंटली इंडिया हैज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी फॉर बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। आई थिंक ये भी ट्रू। ट्रू। ये फॉल्स। कैपिटल अकाउंट का नहीं होगा ना सर इसमें। पार्शियल है, कंप्लीट है क्या? पार्शियल है क्या, सॉरी
कैपिटल अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन अभी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी वाली फीचर्स है हमारे पास में, फुल नहीं होता सर. वही तो लिखा है शायद क्वेश्चन में, पार्शियल तो लिखा है सर. एक सेकंड, इंडियन पार्शियल इसमें बोथ लिखा है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स के लिए, कैपिटल अकाउंट्स के लिए. हमारे पास अभी सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स के लिए है. अच्छा, सर शायद कैपिटल अकाउंट्स के लिए नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. भाई करंट अकाउंट के लिए पूरी तरीके से है और कैपिटल अकाउंट्स के लिए पार्शियल है. अच्छा ओके, ठीक है जी सर. Which of the following are functions of the central bank in the Indian economy? Central bank जो है उसका Indian economy में क्या function है? It issues the currency of the country. Yes sir. True yes sir. Yes. It controls the money supply of the country. True. बिल्कुल sir. It yes. is the custodian of the foreign exchange reserves of the economy. Yes. हाँ जी sir. It acts as a bank to the banking system in the economy. Yeah, yes sir. Yes sir. Consider the following statement regarding the open market operations done by the Reserve Bank of India. It refers to buying and selling of the bonds issued by the government in the open market. हाँ जी सर. बिल्कुल सही. Purchase of government securities from the bond market by the RBI increases the high powered money in the economy. Yes sir. ये भी सही है. With reference to the inflation index bonds, consider the following statements. The inflation index bonds provide protection only to principal and not to interest payment. Yes. दोनों को करता है. False. सब principal को ही तो करता है. Inflation तो कम ज्यादा हो सकता है तो घाटा हो जाएगा ना इनको. हाँ तो लेकिन वो दोनों चीजों को कवर करता है. इन्फ्लेशन इंडेक्स जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते ही इसीलिए हैं कि वो दोनों चीजों को कवर करें. ठीक है. इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज जीसेक्स एंड आर दस एलिजिबल टू बी कैप्ट एज पार्ट ऑफ द स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक. यस ट्रू ट्रू. With reference to the national disposable income, consider the following statement. It comprises net national product at market price and net other current transfers from the rest of the world. Sir, इसमें rest of the country world नहीं आएगा. आएगा आएगा आएगा. नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है मार्केट प्राइस प्लस नेट अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यही डेफिनेशन है इसकी. इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज एट इट डिस्पोजल. ये भी सही है. Consider the following statement in the context of public goods. Consumption of public goods by an individual does not reduce the amount available for consumption of the same good for another individual. False. False. कैसे? पब्लिक गुड तो सबके लिए इक्वल अवेलेबल है, सो ये फॉल्स. रोड है, स्ट्रीट लाइट है. अगर कोई और उसकी छाया ले रहा है, कोई और रोड पे चल रहा है, तो आपके लिए बहुत कम नहीं हो जाएगा ना. सो दिस इज फॉल्स. अच्छा ऐसा. पब्लिक मैंने बताया था भाई आपको. पब्लिक गुड्स वगैरह, पब्लिक प्रोविजन गुड्स आर दोस गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट. ट्रू ट्रू ट्रू. Which of the following is not correct regarding human capital? क्या सही नहीं है? Human capital is intangible and cannot be easily sold in the market. True sir. Correct. False. सब tangible तो है, like हम count कर सकते हैं human capital. हम उस पर उनको exactly touch करने की बात नहीं कर रहे, हम skills की बात कर रहे हैं, जो उनका दिमाग होता है, जिस तरह की वो skills perform करते हैं. So we are talking about that. तो ये आपको आपका ये नॉट करेक्ट की कैटेगरी में जाएगा. दिस इज करेक्ट. इंटेंजिबल होता है, कैन नॉट बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट.
मतलब जो और क्या बोलते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं आपकी वो बेसिकली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। अनलाइक फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल डज नॉट डिप्रिशिएट विद टाइम। ट्रू, मतलब सही है, पर इसके हिसाब से गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। हाँ, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट, तो मतलब दिस इज ट्रू। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अनलाइक द अंटिल द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर All currencies were pegged to the value of gold. True, sir. Yes. Post-independence, the Indian rupee was pegged to the pound sterling till 1975. नहीं पता सर। हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि हम लोग कॉमनवेल्थ नेशंस की कैटेगरी में आते हैं ना, इसीलिए। Consider the following statement regarding the small finance banks in India. They are registered as public limited companies under the Companies Act 2013. True. True. ये are registered होते हैं. They accept deposits and lend to unserved and undeserved sections. True. हाँ जी सर. True. True. Like commercial banks, these banks have to maintain both cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. False. नहीं, true है ये भी. With reference to the aggregate monetary resources, consider the following statement. M3 is known as narrow money. आपने पैसों की अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है, उन कैटेगरीज के हिसाब से M3 को हम नैरो मनी के तौर पे जानते हैं। फॉल्स। M1 और जो M2 की कैटेगरी होती है वो आपकी आती है नैरो मनी की, M3 और M4 जो आते हैं वो आते हैं आपकी ब्रॉडर मनी की, ठीक है। तो आपकी M3 की कैटेगरी क्या जाती है, आपकी M3 कैटेगरी हो जाती है जो भी क्या बोलते हैं, सबसे पहले से M1 होता है, ठीक है। M1 जो पब्लिक के पास में पैसा होता है वो हो जाता है आपका, ठीक है। और जो भी डिपॉजिट्स RBI के पास में है वो सब आपके M1 की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम नैरो मनी के तौर पे जानते हैं। M2 वो होता है जो बंदों ने सेविंग्स कर रखी होती हैं, मतलब इसमें M1 आ जाता है प्लस जो भी सेविंग्स आपने कर रखी है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, इंस्टीट्यूट इन द सेंस कि जो सेविंग्स बैंक्स होते हैं उनके साथ में, तो वो आपके M2 हो जाते हैं। ये आपके नैरो मनी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ब्रॉडर मनी की कैटेगरी में आते हैं आपका भाई M3 और M4, ठीक है। M3 में होता है M1 भी आ जाता है और प्लस जो भी पैसा कमर्शियल बैंक्स में आपका जमा रहता है, और M4 में आपका आता है M3 और जितना पैसा आपका अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जमा रहता है वो सब आपका M4 में आ जाता है, ठीक है। तो M3 को हम ब्रॉडर मनी के नाम से जानते हैं एंड M1 इज द लीस्ट लिक्विड व्हाइल M4 इज द मोस्ट लिक्विड मनी वीज़र। True. लिक्विड इन द सेंस वो पब्लिक के हाथ में, सो दिस इज फॉल्स। In the context of core inflation, consider the following statement. It takes into account changes in the price of food and energy. Energy, तो yes है sir. Food का idea नहीं. True. True है sir. Core energy, core inflation जो होता है वो आपकी जो daily commerce चीजें होती हैं जो आपकी use करी जाती हैं, उनसे deal नहीं करते, तो ये आपका false होगा। When core inflation rises, the Reserve Bank of India increases its key policy rates to suck excess liquidity from the market. Inflation का reason, the main reason तो यही होता है। Core inflation का specifically core inflation का idea नहीं है ज़्यादा सबको। Core inflation के केस में आगे यही करती है। वो क्या करती है? अपनी policy rates हैं, वो बढ़ा देती है। इससे जो भाई पैसा है जो मार्केट में एक्सेस जरूरत से ज्यादा घूम रहा है वो आपके बैंक्स के पास में आना स्टार्ट हो जाता है, सो दिस इज ट्रू। ये कोर इन्फ्लेशन में क्या आप गुड्स आते हैं, मतलब एक कोर इन्फ्लेशन होता है, एक दूसरा कौन सा होता है जिसमें फूड और एनर्जी आती है? बहुत बहुत सारे होते हैं। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है
वो आपका जो फूड और एनर्जी वाली चीजें हैं इन सबको भी क्या बोलते हैं काउंट करता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन इसको काउंट नहीं करता। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एपीएमसीज इन इंडिया। दीज आर स्टेचुअरी कमिटीज फॉर्म बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यस These committees oversee the trading of both notified agriculture product as well as livestock products. True. The committees prohibit the involvement of any kind of intermediaries or commissioning agents in the trade between the farmers and the buyers. Option से देखे तो false. False. Actually होते हैं. हाँ, और अगर आप नॉर्मल चीजों को देखोगे तो पूरे फॉर्म लॉज का इतना ज्यादा जो हल्ला हुआ था कृषि कानून को लेकर, तो आपको पता होगा कि जो भाई आपके दलाल होते हैं मंडियों में वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, फार्मर्स और बायर्स के बीच में डायरेक्ट जो होता है इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स रिकार्डियन इक्विवेलेंस। बताइए। Never heard of this song. इसका ये मतलब होता है कि अगर हम इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, हम इस इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको ये समझ में आ जाता है, एक एक चीज उनको समझ में आ जाती है भाई कि भाई यू नो गवर्नमेंट के ऊपर अगर कर्जा है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो फ्यूचर में टैक्स आपके बढ़ाएंगे। ठीक है, सो द टैक्सेशन एंड बोरोइंग आर इक्विवेलेंट मींस ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर। कि भाई आप पैसा उधार ले रहे हैं, आप टैक्स जो है फ्यूचर में बढ़ाओगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी जो आप खर्चा कर रहे हो आप इस तरीके से निपटाओगे। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी पे सब्सिडी दिए जा रही है, वो हर चीज फ्री में बांटे जा रही है उनके पास लेकिन पैसा नहीं, लेकिन पैसा कहीं से तो आएगा भाई, किसी के पास फ्री की चीज नहीं होती, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी बाद में, या तो भाई पैसा कहीं से उधार लेगी अपना खजाना भरने के लिए या फिर टैक्स बढ़ाएगी। ठीक है, यही होता है आपका रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस। Which of the following can be classified as short-term external debt of the country? Short-term external debt की category में कौन कौन से आते हैं? Foreign institutional investors, investment in corporate securities? Long-term हो गया सर ये तो नहीं। एक सेकेंड, in corporate securities। Long-term ऐसे ये तो corporate securities का तो corporates के सर at least कम से कम 5 साल के होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अरे हाँ सर, जो जो मैंने पढ़ा है सर उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोल रहा हूँ सर, कॉर्पोरेट कम से कम, क्योंकि मेरा भी एक सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से 5 साल के होते हैं कम से कम। जो आपके लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेब्ट होते हैं वो आपके 1 साल से ज्यादा के होते हैं, शॉर्ट टर्म जो रहते हैं वो आपके 1 साल या उससे कम के रहते हैं। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है सर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फॉरेनर्स हैं सर उनके लिए 5 से 25 ईयर्स की कुछ एज लिमिट सेट की हुई है सर। अगेन मैं श्योर नहीं हूँ सर, मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के साथ साथ गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो आपका शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट में आता है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं आता है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों आएगा, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स बाय द फॉरेन सेंट्रल बैंक, तो भाई ये भी आपका सही होगा और ये भी होगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट क्रेडिट्स होते हैं वो नहीं आते, और एक्सटर्नल कमर्शियल जो आपकी बोरोइंग्स होती हैं ये आपके बेसिकली लॉन्ग टर्म में आते हैं। क्रॉस चेक कर लेना, बाकी जहां तक आई रिमेम्बर एंड आई नो कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ठीक है करण? हाँ जी सर, हाँ जी सर। सो 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स जिन्हें कहा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रेजरी बिल्स आपके शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आते हैं, जो गवर्नमेंट, हाँ जो गवर्नमेंट इश्यू करती है,
ठीक है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कि भाई ये लो इस पैसे को खर्च करो, ऐश करो, ठीक है। तो भाई इसमें से कौन सा आपका सही है, कौन सी गवर्नमेंट सर ऐसी करती है? सर बी भी सही होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि स्टेट्स आर टेक्निकली नॉट अलाउड टू इशू टी बिल्स। ये आपके कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो फर्स्ट तो होगा ही नहीं होगा, है ना? हाँ, लेकिन इसका भी सही होगा, क्योंकि टी बिल्स जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अलाउ कर सकती है, मतलब वही इश्यू कर सकते हैं। दिस इज ट्रू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन बिट्स। दीज आर म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशंस दैट इनेबल इन्वेस्टमेंट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बाय पूलिंग स्मॉल सम्स ऑफ मनी फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वेस्टर। कुछ ग्रुप है वो इकट्ठे आए, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और म्यूचुअल फंड लाइक की तरह के इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। तो भाई इसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, प्रोफॉक्स। कुछ आइडिया नहीं सर, नहीं पढ़ा पहले इसके बारे में। इसके बारे में कई बार न्यूज में आता रहता है, इनवेस्ट के बारे में आया होगा आपने शायद, शायद देखा होगा अगर करंट अफेयर्स फॉलो किए होंगे तो। आई थिंक ये ट्रू है। ये ट्रू है, इनवेस्ट आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। फॉल्स। सही होना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड सेबी हाँ, जो देखती भी है। आपके एनबीएफसी की ओके कैटेगरी या बाकी जो रहते हैं वो सेबी के द्वारा कंट्रोल रहते हैं। विद रेफरेंस टू डेप्रिसिएशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ अ कैपिटल गुड। नो सर, हाँ, नो। नो क्या होता है, आपकी गाड़ी है उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है साल में, उसको वियर और टीयर होता है। सर वेरी ठीक है, एनुअल अलाउंस इस स्टेटमेंट में समझ नहीं आया सर, एनुअल अलाउंस क्या कंटेक्स्ट है सर यहाँ पे? एनुअल अलाउंस एनुअल अलाउंस मतलब जो उसकी वैल्यू है उसमें गिरावट आई है, उसमें चेंज हाँ आया है। वैल्यू, हाँ वो सही है सर, बट एनुअल अलाउंस से कुछ समझ नहीं आया। दैट इज बेसिकली एनुअल अलाउंस, ठीक है। तो मतलब पहले भाई आपका 100 रुपए थी आपकी गाड़ी की कीमत, एक साल के अंदर वो 90 पहुंच गई, तो 10 रुपए है वो एनुअल अलाउंस है आपका कि भाई डिप्रिशिएट हुआ है, ठीक है। तो हाँ ये फिर दस ठीक है रुपए सर, आपका एनुअल अलाउंस इन द ट्रू फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। ट्रू सो दिस इज ट्रू। ट्रू। डेप्रिसिएशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। सडनली आपकी जो चीज है खराब हो गई, टूट गई, फूट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आएगा, आपकी ट्रू आपकी कार की ट्रू वैल्यू ट्रू है 100 रुपए थी, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, पेड़ गिर गया, उसकी वैल्यू 0 हो गई। 0 हो गया फिर एक, समझ लो आपने उसको स्क्रैप डीलर के पास भेज दिया, उतनी उसकी वैल्यू रह गई। तो भाई वो आपका जो अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन हुआ है वो ये डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होगा, है ना। डेप्रिसिएशन हाँ सर इज द नॉर्मल वियर एंड टीयर। ओनली। सो हाँ, तो दिस इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेवल टैक्सेस हैव बीन सबज्यूम्ड अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, टैक्स जीएसटी के अंडर में भाई कौन कौन से आ गए हैं? ऑक्ट्रॉय क्या लग्जरी होता है टैक्स, सर? क्या ऑक्ट्रॉय क्या होता है? फोर्थ वाला ऑप्शन। ऑक्ट्रॉय टैक्स टैक्स होता है भाई, जब शहर में घुसने का जो टैक्स देना पड़ता था, अच्छा चुंगी टोल वाला। टैक्स टाइप। हाँ, चुंगी जैसे हम टोल बोलते हैं, चुंगी बोलते हैं, तो वो हाँ आपका हाँ टोल हाँ आता इज है। लाइक टोल बेसिकली आपका रोड वाला आ जाता है। लेकिन अगर आप कई बार जो व्यापारिक सामान भी लेके आते थे जगह जगह पर, तो वो भी वहां एक तरह से टोल टैक्स समझ सकते हैं हमने। तो इसका होगा जी वन सर। टू एंड फोर ओनली। स्टैम्प ड्यूटी किस में आता है सर? स्टैम्प ड्यूटी आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास में आता है, नोटरी, टपा कार्यालय, तहसील कार्यालय है, जो स्टैम्प्स वगैरह यूज अच्छा करते हैं। ओके जी सर, समझ गया। सर विच ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग होते हैं, लेकिन वो सब्स्यूम्ड नहीं है, क्या बोलते हैं, जीएसटी के अंडर। जीएसटी में? हाँ, वो तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंसिडर्ड एज एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक। कौन कौन से कमर्शियल बैंक के आपके एसेट्स कंसिडर किए जाते हैं? तो भाई बताओ, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स के सेंट्रल बैंक एसेट कंसिडर हाँ किया जी सर। जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ यस पीपल विद द कमर्शियल बैंक, नो, वो लायबिलिटी नो है। यस लाइबिलिटी है। यस बिल्कुल। लोन्स गिवन टू द पब्लिक बाय द कमर्शियल बैंक, यस। सर एसेट इंटरेस्ट आता है।
This five-year plan aimed at developing the Indian economy on socialist lines. It also wanted to put India on path towards industrialization. The chief architect of this plan was P.C. Mahalan Boys. Which of the following five-year plans has been described in the passage given above? बताइए. पहले फाइव ईयर प्लान का एम था एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सेकंड क्या था? सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकंड विद रेफरेंस टू मॉरिस. हाँ सेकंड होगा. मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कमेटी वाज सेट अप विद रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग. यस ट्रू. Its meetings are chaired by the finance minister. RBI. False. RBI का जो governor होता है. The committee is constituted under the Reserve Bank of India Act 1934. सही. Okay. In order to calculate personal income, which of the following is required to be subtracted from the national income? ठीक है. पर्सनल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है. फॉर्मूला मैंने आपको बताया. तो भाई नेशनल इनकम में से आपको क्या क्या माइनस करना पड़ेगा बताएंगे. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. इसके बाद नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड. कॉर्पोरेट टैक्स. ट्रांसफर पेमेंट. हाँ नहीं चारों नहीं होंगे. ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स इस कैटेगरी में नहीं आता. इसको 1, 2 और 3 होंगे. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैपिटल अकाउंट में भाई कौन कौन सी चीजें आती हैं बताइए. इंटर गवर्नमेंटल लोन्स आते हैं. यस सर. जी सर. प्राइवेट रेमिटेंसेस. नहीं. गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड. नहीं सर. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो बाहर के लोगों ने किया है. हाँ जी सर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. अब करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं हम. अ कंट्री विद अ सरप्लस ऑन द करंट अकाउंट नेसेसरीली बोरोस फ्रॉम अदर कंट्रीज. नहीं. फॉल्स. बिल्कुल सही. जरूरी नहीं भाई आपने उधार का पैसा इकट्ठा कर रखा हो. सरप्लस ऑन द करंट अकाउंट नेसेसरीली इंप्लाइज दैट द कंट्री हैज अ सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड. उसका जो डिफरेंस देश वालों को लूटेंगे वो काफी अच्छा खासा. सो दिस इज. नहीं. सरप्लस ऑन द करंट अकाउंट नेसेसरीली इंप्लाइज दैट द कंट्री हैज अ नेसेसरीली इंप्लाइज. नेसेसरीली तो नहीं होना चाहिए ना. इस स्टेटमेंट का ज्यादा आइडिया नहीं है. नहीं नहीं नेसेसरी नहीं होगा भाई. दिस इज विल बी फॉल्स. विद रेफरेंस टू द टर्म स्प्रेड इन बैंकिंग सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. कौन सा स्टेटमेंट भैया जो है वो सही है. तो इट इज द रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लैंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक. क्या ये होता है? ट्रू ऑफ फॉल्स. फॉल्स. It is the rate at which Central Bank of country lends money to commercial banks in the event of any shortfall of funds. ये भी नहीं. No idea. It is the difference between the interest rates of borrowers and depositors in the bank. आपने पैसा जितना बैंक को जमा किया है तो भाई आपको एफडी पे कितना मिला? 2-4% मिल रहा है. लेकिन अगर आपने उनसे होम लोन ऑटो लोन एजुकेशन लोन लिया है तो 7-8%, 10%, 15% इस पे जा रहा है. तो भाई क्या ये डिफरेंस होता है? हाँ भाई बिल्कुल यही डिफरेंस होता है. विद रेफरेंस टू द फैक्टर कॉस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स द पेमेंट्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओनली. सर मेरे ख्याल से. हाँ मेरे ख्याल से सर जो उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उसको भी कैलकुलेट करते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पता नहीं सर मैंने पहले पढ़ा था 11th 12th.
ज्यादा आइडिया नहीं है, पर हाँ मेरे ख्याल से ओवरऑल डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करते हैं, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें, सारी चीजें इंक्लूड करी जाती है, सिर्फ प्रोडक्शन का जो मींस है वो आप स्टार्ट नहीं करते, रॉ मटेरियल से लेके एंड तक सारी चीजें कंट्रोल वो इंक्लूड की जाती है, ओवरऑल एक्सपेंसेस भी होते हैं, फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स, ट्रू नहीं करता, नहीं करता मेरे ख्याल से नहीं करता था, क्योंकि टैक्सेस सर हम उसमें अलग लिखते थे, मतलब प्लस टैक्सेस करते थे, तो मेरे ख्याल से नहीं करता है। सबसे लास्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स टेकन अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, क्या नहीं किया गया था? Lowering of tax rates for better compliance of the taxpayers, क्या ये किया गया था? It's a standard of the TIO का. ये किया गया था. Revolution upward adjustment of Indian rupee against foreign currencies, ये किया गया था? ये नहीं हुआ. Possibly. ये नहीं हुआ था. Establishment of domestic and foreign private sector banks in India, ये हुआ था. Industrial licenses, licensing was abolished for almost all except certain product categories, ये आपका हुआ था. तो भाई यहाँ पर जो आपका इकोनॉमी का पहला QS है वो खत्म हो गया, एक दो और आएंगे अभी, एंड आई होप कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ में प्लस जो करंट अफेयर्स में कराता हूँ उसके साथ में और ये जो QS है इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हो गई होगी।